निवली कर्म आदि राही ए नरक धोण दा यत्न करदा है। अन्ना मनुख बकारा दी मैल नाल भरिया रहिंदा है, मुड़ मुड़ कराहे पै के होर बकारा दी मैल नाल लिपटदा है। ए नरक कदे उतरदी नहीं, ए रेचक पुरक आदत सारे कर्म परमात्मा दे नाम तों बिना व्यर्थ हन। जिवें किसी मदारी नूं वेख के अवाल मनुख भुलेख विच पै जांदा है कि जो जो कुछ मदारी विखांदा है सचमुच उसके पास मौजूद है। तिवें कौम कांडी मनुख इन्हां नाटकां चेटकां विच भुलेखा खा जांदा है। अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनुख दे मन दी दौड़ भज तां माया दे धंधा विच ही रहिंदी है। भैड़ी मत लग के निवली कर्म रेचक पुचक रेचक पुरक आदिक व्यर्थ कर्म करदा रहिंदा है। मूर्ख सही रास्ते की कारता समझता नहीं, इन्हां निवली कर्म आदतां दे कारण अपने आप नूं वड्डा यार करन दा यतन करता है। वह मनमुख दी ख्वाहिशां मोहनी माया विच ही रहिंदियां हन, उत्तों उत्त धर्म दे बोलां राहीं सगो खुआर हुंदा है। अंतरात्मा उसका जीवन चंडाल वर्गा है, उस चंडाल का तीर्थ इशनान भी निरी ठगी है। निवली कर्म आदक वाले उसके सारे सुंदर शिंगार व्यर्थ हैं। उसका यह सारा उद्यम एवं है जिम्मे किसी ब्राह्मण के वास्ते किसी चंडाल का तीर्थ इशनान निरी ठगी, उसका सुंदर शिंगार भी फोका। मनमुख के मन की मत झूठ वाले पासे ले जाती है, उसका कर्तव्य भी निरे झगड़े का मूल है, व्यर्थ जाता है। उस झूठ विभाजन वाले अंदर हौमे अहंकार टिक रहा है, उस कसम प्रभु का मिलाप आनंद नहीं हार सकता। परमात्मा के नाम छड़ के निवली कर्म जो कर्म करते हैं उनका स्वास्थ्य सिक्का होता है, वो जीवन सिक्का बनाते हैं। अजिहरी अजिही भैड़ी संगत विच बैठे खुआर हो जाता, क्योंकि जे बंद मुंह सिक्के बोल रूप जहर होंगे तो उन्होंने जीवन व्यर्थ जाता है। होर भी इस कर्म से लाते हैं, सतगुरु की शरण पिया सदा ही आत्मक आनंद मिलता है। सतगुरु की शरण तो मना करे किसी माया के मोह तो खलासी नहीं मिलती, उस तरह जन्म भी मरते हैं आत्मक मौत सिरते हैं। जिहड़ा मनुख सतगुरु की शरण तो सिमरन तो वांझा रहता है वह आत्मक मौत सिरता है। शरीर में चिंता फिक्र दुख कलेश दवाई रखता है, भाई उस परमात्मा का सिमरन करो जिसका ना तो बाप है ना तो प्यो है। सिमरन की बरकत नाल अंदर माया की तृष्णा हमें अहंकार मुक जाता है। ये किवें पता लगता जिसका कोई मां प्यो नहीं है, सतगुर की शरण पै के परमात्मा का नाम जपो। सतगुर की शरण पै के परमात्मा का नाम जपया हूं मैं जिधर जिधर दिन निगाह मारता हाँ मेनु ओही परमात्मा वास्ता दिसता है, मेनु माया पराहे नहीं पाती। पर सतगुरु की शरण तो बिना मां के बंधना तो आजादी नहीं मिल सकती। हे भाई सदा फिर परमात्मा का नाम हिरदे विच बसाना एक तब सब तो श्रेष्ठ है मेरे वास्ते। ये छड़ के होर कोई काम करना सब कुछ पखंड है। इन्हें कर्मां दी राही लोकां पास चुकराई पूजा सेवा आखिर खुआर कर दी। सतगुरु दे शब्द नाल सांझ बना के अपने अंदर में जहर बाग अपने अंदर से बाग सारे संसार विच एक परमात्मा नूं वसदा देखना यही चंगी अकल है। सतगुरु शब्द विच हिरदे वसाना श्रेष्ठ उत्तम अत है। ये अपने सतगुरु की सुझ करवा देने महला पहला जी उन्होंने सतगुरु सतगुरु रविदास जी है। परमात्मा की सिख सलाह करनी श्रेष्ठ करनी है, सतगुरु की सिक्ख्या से तुरना श्रेष्ठ उद्यम है। साध संगत विच परमात्मा के गुणा के नाम नाल सांझ पानी सिख ये गल पक्की समझ कि जिहड़ा मनुख अपने मन नूं मारता है वह दुनिया के घर बिहार करता होया विकारां दी चोट तो बचा रहिंदा है। नानक जी सोझी करवाउंदे ने इन्हां पंडां दी रामकली महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ते पढ़ता टीका सहित जिहदे नाम नहीं पूर्ण वह उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै अपना क्या अपना कमावे। पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित एक रहाओ आगे रखियो साल ग्राम मन कीनो दैदिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक पचारा अंत कमाए खट करमा और आसन धोती ताकत गह पड़े नित पोथी माला फिरे मंगे कपूत ए विद पुन तेरे उमीत सो पंडित गुशब्द कमावे ते गुण की उस उतरी माए चतुर वेद पूर्ण हर नाए नानक तिसकी शरण पाए।
आत्मिक जीवन वालों अन्ना मनुख सालग्राम की मूर्ति अपने समय रख लेंदा है पर उसका मन दसवीं पासी टिकया होया है। अन्ना मनुख अपने मथे उत्ते तिलक लांदा है, मूर्ति के पैरा उत्ते भी पैंदा है, पर ये सब कुछ सिर्फ दुनिया नूं पत्याउण दा काम ही है, पत्याउण दा काम ही करता है। आत्मिक जीवन वालों अन्ना मनुख शास्त्रां दसे हुए कर्म करता है, देव पूजा करने वास्ते उसने उन आदत का आसन भी रखा है, पूजा करम धोती भी पहनता है, पर इस तरीके कोई मनुख संसार तो कदे पार नहीं लंघिया। पार कि लंघ देने ये तुसी जान लो, सोरठ माला पंजवा अष्टपदी पाठ पढ़े और बिद विचारियो, निवल भयंगम साधे पांच जना सो संग न छुटकियो, अदक अहम बद वाद है प्यारे इन विद मिलन न जाये, मैं किए कर्म अनेका हार परे स्वामी के द्वारे बुद्ध बदेका देख रहा। पहला तुसी चाहोगे जानना किस स्वामी के द्वार तिहारे सा नानक जी, तुसी अकागर हो के श्रवण करना, थोड़े भी भरम पै निवारण होणगे, रस आएगा जखम, रस आएगा जखम, तुसी उही सुनो जो नानक जी सुना रहे हैं, ते इस नाल थोड़ी धारणा होर मजबूत होगी, धारणा होर पक्की होगी। किवें नामा जय देव कबीर त्रिलोचन औजात रविदास मार्थ मैया, जो जो मिले साधु जन सांगत धन धना जग सैन मल्हार लईए, पर जुग नाम प्रदान प्रदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दो गए चमरे, सतगुरु दास जी का नाम कीर्तिया इथे भी पिंड ते भी आया, सर संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन कबीर दास न मुक्त पया चमारो, इथे भी सतगुरु नाम दे रविदास जी का रविदास चमार उस करे हर कीर्त नमक गाये, चिते त्रिजा उत्तम पया चार वालन पे पागाए। इसकी खीरली पंक्ति कुछ अक्षर का निरण नंदी, जन नानक तिन को अंगन पाते जी कृपा करे हर है, कृपा कर देना है कि मैं सोजी करवाने नानक जी मल्ले पांजने जामे च ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਆਗ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਵਸੇ ਹਰ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਵਾਚੇ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹਿਦਾ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਵੇ ਕਾਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰ ਕਪਟ ਕਹੋ ਤੋ ਫੁੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰੇ ਭੂਤ ਲਗਾਰੇ ਭਸਮੇ ਅੰਤਰ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸੁਹਮੇ, ਪਖੰਡ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਅਧਿਆਨਾ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਥੇ ਗਿਆਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਿਨ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭਯੰਗਮ ਪਾਠੀ, ਰਿਚਕ ਭੂਚਕ ਰਿਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੁਰਖ ਮਨ ਹਾਟੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਉ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਤਮ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਬਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਾਮ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮੈਲ ਵਿਚ ਮਨ ਤਨ ਧੋਤੀ ਮਿਕ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਬਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਝ ਬਜਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ।